नॉन वेज कबाब या सब्जियों से बने वेज कबाब तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाले आलू के कबाब बनाएंगे। आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं रोज धन ऐप। इस ऐप को इस्तेमाल करके आप घर बैठे रोज पैसे कमा सकते हैं। इन आर्टिकल्स को शेयर करने पर भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको रोज चेक इन करने से या दोस्तों को इन्वाइट करने से कॉइन्स मिलेंगे, जिन्हें आप कैश कर सकते हैं। उन्हें आप व्हाट्सएप, मैसेंजर या SMS से भी इनवाइट कर सकते हैं। मेरा दिया इनवाइट कोड ऐड करें और 25 रुपए अभी कमाएं। तो आज ही रोजधन ऐप डाउनलोड करें। आलू कबाब रेसिपी के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टेस्टी स्नैक का मेन इंग्रेडिएंट आलू रहेगा, तो सबसे पहले हम 4 मीडियम साइज उबले हुए आलूओं को एक मिक्सिंग बाउल में कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं, लेकिन लम्प्स अवॉइड करने के लिए हम इन्हें कद्दूकस कर रहे हैं। अब इसमें डालें एक बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, फ्लेवर के लिए 1 चम्मच पुदीना और 1 चम्मच धनिया, और इनकी बाइंडिंग के लिए डालें तकरीबन 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स। सूखे मसालों में हमने लिया है 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें ताकि इसके दाने मुंह में ना आए, 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट और बारीक काटा हुआ 1 प्याज डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। इन्हें हम हाथों से मसल मसल कर मिक्स करेंगे ताकि सभी मसाले आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब हम आलू उबालते हैं तो कभी कभी आलू उबलते वक्त फट जाते हैं, जो बहुत पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उन आलूओं से ये मिक्सचर बहुत ढीला बन सकता है, जो कबाब बनाने के लिए सही नहीं रहेगा। तो या तो आप बिना फटे हुए आलू इस्तेमाल करें या उन आलूओं को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें। एक बार सब कुछ अच्छे से मिक्स होने पर आलू कबाब का मिक्सचर तैयार है। कबाब बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा तेल लगा लें। अब इस तरह थोड़ा मिक्सचर हाथों में लें और इसे टिक्की के शेप में गोल कर लें। आप चाहें तो इन्हें इसी शेप में पकाकर सर्व कर सकते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इन्हें कुकी कटर से गोल शेप में काट रहे हैं। कटर से काटने से सभी कबाब इक्वल शेप के बनकर तैयार होंगे। इन्हें हर तरफ से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें। और अब ये कबाब फ्राई करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम सारे मिक्सचर के कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। बताई गई क्वांटिटी से 12 से 13 आलू कबाब बनकर तैयार होंगे। इन कबाब्स को हम शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक गरम पैन में लगभग 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालें। तेल गर्म होने पर गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें आलू कबाब डालकर फ्राई कर लें। मीडियम गैस पर 30 से 40 सेकंड्स फ्राई करने पर हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें हर 1/2 मिनट में हम पलटकर फ्राई करते रहेंगे ताकि ये जल न जाएं। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट बारी बारी उलट पलट कर मीडियम हीट पर फ्राई करने पर ये आलू कबाब बनकर तैयार हैं। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन मजेदार और सॉफ्ट आलू के कबाब को टोमेटो केचप और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। ये आलू कबाब बनाने में बहुत आसान है और ये सभी को खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो आप भी इन्हें घर पर जरूर बनाएं और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।